नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। एक वर्ग को गाली देकर वोट प्राप्त किए जा रहे हैं। विकास, जिसे हम सार्थक विकास कहते हैं, उससे ये देश, हमारा ये प्रदेश और ये हमारा गांव कोसों दूर है। आशा है फिर से नई किरण। ये उपस्थिति इस बात को दर्शाती है। तो साथियों, आज 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये दो ही ऐसे समय है कि इस पूरे देश के अंदर, हर स्टेट के अंदर 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो महत्व है उसको पूरा देश मनाता है, पूरा देश मनाता है। हमारे देश के अंदर हर 500 किलोमीटर पे रहन सहन बदलता है, खान पान बदलता है, भाषा बदलती है, और आज तक इन सब को साथ में लेके आजादी के बाद में हम इस मंदिर तक पहुंचे हैं। समय समय पे इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी। मैं सरल भाषा में आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो 15 अगस्त है, ये क्यों मनाते हैं? और हम इस बात से भी सहमत है कि सभी समाजों ने मिलकर हमारे देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सभी समाज के भाइयों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। और देखिए, कितने न जाने लाखों की संख्या में हमारे उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमें आजाद कराने के लिए शहीद हो गए, हम उन्हें स्मरण करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और जिसमें कि मैं समझता हूँ कि बड़ी हमारे पास लिस्ट है, आदरणीय महात्मा गांधी जी है, आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, हमारे आदरणीय जो डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर साहब है, आदरणीय हमारे बिस्मिल्ला खान जी है, चाहे हम चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात कर लें, चाहे भगत सिंह जी की बात कर लें, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर लें, सरदार वल्लभ भाई। तो भाई, इस आज़ादी के लिए कोई हिंदू या मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सबने अपनी जान। ये इसलिए मनाते हैं कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, इस आजादी की इम्पोर्टेंस को भूल नहीं जाए, हमेशा उनको ध्यान रहे कि इस देश को आजाद करवाने के लिए पहले, आजादी के पहले इस देश की क्या स्थिति थी और आजादी के बाद में इस देश की क्या स्थिति थी, ये दोनों का मूल्यांकन आज होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री बनने वाले कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने वाले बधाई एडवांस में देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस की जीत बिल्कुल निश्चित ही है। हर जन माहौल में हम देखने आ रहे कि आम गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी की भावना। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Thank you.